गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। इस पेंडेमिक सिचुएशन में तुम लोग घर में सुस्त रहो, बिना वजह से घर से नहीं निकलना है, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक हम लोग जो करवाएंगे, इसका नाम एप्रोन मैकेनिज्म इन लेथ। लेथ का एप्रोन मैकेनिज्म क्या होता है, हाँ, एप्रोन मैकेनिज्म का अर्थ क्या है, एप्रोन मैकेनिज्म का क्या फंक्शन है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका असेंबल डिसअसेंबल करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरिदास महतो, साथ में सुकुमार सर भी हैं, दोनों जन मिल के आज आप लोगों को बताएंगे एप्रोन मैकेनिज्म इन लेथ। तो एप्रोन मैकेनिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं मशीन में, थोड़ा सा इधर आ जाइए सर। कि एप्रोन मैकेनिज्म होता क्या है, एप्रोन मैकेनिज्म लेथ का पार्ट है जो कैरेज में फिट होता है, इसके अंदर के भाग को एप्रोन मैकेनिज्म बोलते हैं, इसके अंदर के पार्ट्स जो कि लीड स्क्रू से कनेक्ट होता है और साथ में क्रॉस स्लाइड भी कनेक्ट होता है, टूल पोस्ट कनेक्ट रहता है और कंपाउंड स्लाइड भी साथ में एडजस्ट होता है इसी के साथ में। तो अभी इसको हम लोग डिसेंबल करेंगे, उसके बाद असेंबल भी करके देखेंगे कि किस तरह से होता है। उसके लिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पे स्पैनर रखे हुए हैं, यह है एलएनटी का सेट हम लोगों का, यह है रिंग स्पैनर, यह है डी स्पैनर। तो अभी हम लोग एप्रोन को डिसेंबल करेंगे, उसके बाद में फिर असेंबल करेंगे। तो अच्छा, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टूल पोस्ट है, फुल्ली टूल पोस्ट, ठीक है। अच्छा, ये हैंड व्हील है, ये भी हैंड व्हील है और ये भी हैंड व्हील है, तीनों का अलग अलग काम है। ये जो हैंड व्हील है, ये तुम्हारा जो कैरेज है, कैरेज से आप पीछे सामने पीछे इसमें होता है, सामने पीछे में जाता है, ठीक है। और ये क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील है। कोई भी टूल पोस्ट में हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट रखेंगे यहाँ पे, तो वर्कपीस को रख के हम लोग सामने पीछे हम लोग इसमें करेंगे क्रॉस स्लाइड। और यह है कंपाउंड स्लाइड, ठीक है। ये कंपाउंड स्लाइड, ये हम लोग वर्कपीस यहाँ रखेंगे तो इधर सामने पीछे ये घुमा सकते हैं। और ये टूल पोस्ट है, इसको हम लोग ऐसे खोलेंगे, खोल के हम लोग इसको 360 डिग्री एंगल में हम लोग इसको लगा सकते हैं। हम लोग जैसे हम लोग को वर्क पीस रहेगा, जैसे रहेगा उसी हिसाब से हम लोग इसको सेट करेंगे, ठीक है। ये ये पूरा खुल गया, ठीक है। इसको हम लोग खुल के रखते हैं। सेकेंड है, हम लोग ये पोर्शन हम लोग खोलेंगे। तो पहले हम लोग इस पोर्शन को खोलने के लिए हम लोग ये एलएनटी को यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग एलएनटी इसको यूज कर रहे हैं, यूज करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए, ये खुल रहा है, ठीक है। ये भी खुल गया और रहेगा।
उसके बाद हम लोग इधर खोलेंगे। ये टूल पोस्ट अच्छा क्या बोला स्लाइड स्लाइड ठीक है। अच्छा ये क्रॉस साइड है, इसको हम लोग खोलेंगे ठीक है। ये खोलते रहेगा, ये खुल जाएगा। इसके बाद अच्छा कैरेज को निकाल रहे हैं बाहर। कैरेज बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। ये काफ़ी भारी है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब हम लोग एप्रोन मैकेनिज्म को बाहर करते हैं। ये इस पार्ट को हम लोग एप्रोन मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो इसके लिए दो नट खोलना पड़ेगा। एक नट खुल चुका है हमारा और दूसरे को हम लोग खोलते हैं। इसमें हम लोग 15 नंबर का स्पैनर यूज कर रहे हैं। हाथ पे थोड़ा कंजस्टेड जगह है,
इसलिए बोल्ट खोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है। एक साइड से और हम लोग खोल लेंगे। खोल रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर का रेंच लगा हुआ है। थोड़ा सा टाइट है। टाइट हुआ है, इसलिए जाम हो गया है, थोड़ा सा कठिन हो रहा है। लोग भी जब इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, थोड़ा सा इसको टाइट रहेगा, इसको ये निकलने में थोड़ा कठिनाई लगेगा। अब निकल गया, इसको रख दिए, इसको और रखो है। टाइट है, इसको निकालना है। ये निकल गया, इसको रख दिए, चुरा दिए। तो ये जो देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग अभी एप्रोन को निकाल लिए हैं। एप्रोन को नीचे रखे हुए हैं, उसके साथ में लीड स्क्रू ये जो है अटैच है। तो ये हम लोग अभी देखेंगे ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। ये हम लोगों का है जो कि कैरेज पूरा मूव करता है,
ये हैंडविल इसको बोलते हैं। इससे हमारा एक मूव कर रहा है, ये यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा सर, एक गियर हम लोगों का मूव कर रहा है, इसके साथ में एक सेकेंड इधर बाहर वाला गियर मूव कर रहा है। ये चीज़ अटैच, ये गियर हम लोगों का अटैच यहाँ पे मशीन में, देखिए यहाँ टीथ बने हुए हैं लेथ मशीन के बेड में, इसमें अटैच रहते हैं। उसके साथ ये आगे पीछे होने में मदद करते हैं, वहाँ पूरी यहाँ लास्ट तक थ्रेड बनी हुई है, कैरेज पूरा लास्ट तक बेड में मूव करता है। उसके लिए ये हैंडविल से हम लोग मूव कराते हैं। उसके बाद सेकेंड, एक यहाँ पे दिख रहा है लीवर, इसका क्या काम है? ये नीचे, यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा नीचे सर, नीचे एक गियर शायद सही से दिख नहीं रहा है, नीचे एक गियर है। अगर हम लोग इधर थोड़ा दिखाइएगा, ये साइड में, ये साइड में, इसको 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 हम लोग खींच के, ये शायद काम नहीं कर रहा है अभी ठीक से, इसको खींच के निटोल पोजीशन में, अभी ये है, इधर से थोड़ा फोकस कीजिएगा, इसमें दो हॉल बने हुए हैं, ए वन एंड टू, इसको खींच के हम लोग सेकेंड हॉल में लाएंगे, तो ये हम लोगों का ये जो तीनों गियर है लॉक हो जाएगा, वो केवल चालू हालत में ही चलेगा, वो हम लोग थ्रेड कटिंग करते हैं उस टाइम के लिए होता है। इधर का लगाएंगे जस्ट उल्टा साइड, तो ये उल्टा मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद एक लीवर यहाँ पे है, जिसका लीवर गिर गया है, तो इससे हम लोग मूव करा सकते हैं। इसके लीवर के साथ में इधर एक अटैचमेंट होता है, जो कि उससे भी हम लोग थ्रेड काट सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पकड़ेगा, इस टाइप से, जैसे लीवर को हम लोग ऊपर करेंगे, इस टाइप से जबड़ा पकड़ लेगा और ये थ्रेडिंग करता हुआ चला जाएगा। जिस साइज में हम लोगों को थ्रेडिंग करना है, उस शेप का गियर फिट करना पड़ता है। गियर हम लोगों के सामने इधर रखा हुआ है, देखिए यहाँ अलग अलग शेप के गियर रखे हुए हैं, उस समय गियर हम लोग फिट कर लेते हैं, उसके बाद थ्रेड कटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके जो ये है, इसके माध्यम से हम लोग आगे पीछे स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, आगे पीछे इसमें जाएगा। अच्छा अच्छा, और एक तो ये है, लॉक, अगर लॉक कर, ये ऑटोमेटिकली हम ये इसको अगर लॉक कर देंगे, फॉरवर्ड में अगर लॉक कर देंगे, फॉरवर्ड में लॉक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये गियर फॉरवर्ड तरफ जाएगा, और जो बीच में हम लोग इसको अगर सेट करेंगे तो ये न्यूट्रल रहेगा, और ये जो पीछे है, ये पीछे तरफ हम अगर इसको यहाँ पे, क्या इसको, अच्छा इसको सामने तरफ हम अगर ये कर देंगे, सेट कर दिए, तो ये फॉरवर्ड जाएगा, सामने तरफ ये जाते रहेगा, और ये अगर इसको अगर खींच के हम पीछे तरफ सेट कर दिए तो ये रिवर्स में जाएगा, ठीक है। और इसमें जो 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 अगर हम लोग इसको ऑटोमेटिकली अगर सेट कर दिए तो ये गियर ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, सामने तरफ जाएगा, अगर पीछे तरफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पीछे तरफ जाएगा, ठीक है। और देखो ये है लीवर, ठीक है, लीवर का हम लोग जब थ्रेड कटिंग के टाइम हम लोग इसको सेट करते हैं, जैसे कि हम लोग इसको सामने अगर सेट कर दिए तो हम लोग थ्रेड फॉरवर्ड तरफ जाएगा, और इसको अगर पीछे कर दिए तो हम लोग रिवर्स तरफ ये थ्रेड कटेगा, ठीक है, यही फंक्शन है इसका। ये तुम लोग का जो दिख रहा है ना, ये बड़ा टाइप का जो रोड दिख रहा है, तो ये इसका नाम है लेड स्क्रू, ठीक है, इसमें गियर लगा हुआ है, अगर इसमें गियर लगा, यहाँ पे अगर हम इसको स्लाइड करेंगे तो इसी के माध्यम से ये सामने चलेगा और इसी के माध्यम से ये पीछे भी चलेगा, ठीक है। और इसमें एक तो इधर ये सुविधा, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टूल पोस्ट के बारे में। देखो ये टूल पोस्ट है,
ठीक है, टूल पोस्ट को हम लोग खोलेंगे। ठीक है, खुल गया होगा ये, ज़्यादा टाइट नहीं रहता है। देखो ये देखो ये पूरा खुल गया। ठीक है, हम लोग जैसी तरह हम लोग ये रखेंगे वर्कपीस को, हम लोग जैसा रखेंगे इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। इसको टाइट करके ये चारों तरफ मूव होगा, ये दोनों चारों तरफ ये मूव होगा। मूव होने के लिए जगह दिया गया है। ठीक है, तो ये देखो ये कंपाउंड स्लाइड है, ये वाला कंपाउंड स्लाइड निकल गया। कंपाउंड स्लाइड के थ्रू हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करके इसको जब ढीला करके हम लोग देखिए यहाँ पे दिखाई सर, इधर देखिए यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है, 35 डिग्री 45 डिग्री है ना, 90 डिग्री। जिस एंगल में हम लोग उसको सेट करेंगे, हम लोग इसी हिसाब से हम लोग सेट कर देंगे। यहाँ पे उतना दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 10 डिग्री 15 डिग्री 25 डिग्री है ना, 35 डिग्री। इसी हिसाब से हम लोग इसको ये करेंगे, सेट करेंगे। जैसे हम लोग को टूल जैसा रहेगा उसी के हिसाब से इसको सेट करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम ये कंपाउंड स्लाइड हम लोग इसके बाद खोलेंगे। ठीक है, क्लोज साइड तो हम लोग खोल के दिखा दिए, इसके बाद हम कंपाउंड स्लाइड खोलेंगे। दूसरे इंच ये खोल लेते हैं। खुल गया हुआ, खुल गया होगा चारों तरफ। देखो ये पोर्शन तो इस पर खुल जाएगा। इसको स्लाइड करेंगे, ये स्पैंडल रखा हुआ है, देखो ये स्पैंडल को हम लोग घुमाते रहेंगे। जैसे हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये नीचे चल जाएगी, एक पोर्शन ऊपर चल आ जाएगा। ऊपर जा रहा है ये, एक पोर्शन नीचे जा रहा है। इसी तरह ये अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग इसको लगा रहे हैं। ठीक है, लगा रहे हैं लोग। देखो ये नट इधर से लगेगा। नट एक बार निकालिए सर, थोड़ा सा नट निकालिए। देखो इस टाइप के नट को हम लोग टी बोल्ट बोलते हैं, इस टाइप के नट को हम लोग टी बोल्ट बोलते हैं। अगर वहाँ पे टी बोल्ट नहीं रहेगा तो वहाँ से वो निकल जाएगा, इसलिए स्लाइड भी होना चाहिए और पकड़ के भी रखना चाहिए।
तो अभी फिट कर रहे हैं हम लोग क्रॉस स्लाइड को उस कंपाउंड स्लाइड में, दोनों को अटैच कर रहे हैं ताकि फिर से प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ये साइड का नट अभी लग चुका है, ये हम लोगों का अभी फिट हो रहा है क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड के साथ में। अभी ये साइड का हम लोग कंपाउंड स्लाइड का नट लगा रहे हैं। बाद इसको हम लोग कैरेज में फिट करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में एप्रोन में फिट करेंगे। ये अब लगभग हम लोगों का कैरेज में फिट हो चुका है, उसके बाद हम लोग इसको उठा के बेड पर रखते हैं। ये अभी हम लोग कैरेज फिट कर रहे हैं बेड पे। ठीक है, ये फ्लैट बार है, ठीक है, इसको हम लोग नीचे सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक तो नट है, नट तो हम लोग ढीला करेंगे, पहले ढीला कर दिए हैं। ठीक है, ढीला करके हम लोग इसको अंदर घुसाएंगे। जैसे हम लोग इसको अंदर घुसाएंगे ये पूरा सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ये नट हम लोग टाइट कर देंगे। ठीक है, चलो। और ये देखो, ये टूल पोस्ट है, ठीक है, टूल पोस्ट हो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे जब सेट करेंगे इसको घुमाते रहेंगे, घूमेगा, ठीक है,
सेट हो गया, ठीक है। ये वाला नट टाइट कर दिए। अभी हम लोग एप्रोन मैकेनिज्म को फिट करेंगे, इसका वीडियो नहीं दिखा पाएंगे वहाँ लगाते हुए, क्योंकि कैमरा फिर पकड़ने का साधन नहीं है, इसलिए हम लोग रख लेते हैं, फिर इसको उठा के रखते हैं। अभी तुम लोग देख सकते हो हम लोग इसको उठा के रख लिए हैं एप्रोन को, अभी ये काम नहीं कर रहा है। इसको हम लोग फिट करेंगे, टाइट करेंगे सभी नट बोल्ट, तब ये प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी इसके सारे नट बोल्ट हम लोग टाइट करते हैं। क्लॉकवाइज टाइट होगा, दोनों नट क्लॉकवाइज टाइट होगा। टाइट करते समय हम लोग को ये भी ध्यान रखना होगा, एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा और क्लॉकवाइज टाइट होगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग एलेंकी बोल्ट लगा रहे हैं। ये अभी देखेंगे कि हम लोगों का कैरेज मूव कर रहा है, कैरेज अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। अब हम लोग क्रॉस स्लाइड को देखते हैं कहां से दिक्कत हो रहा है। क्रॉस स्लाइड को हम लोग अभी फिट कर रहे हैं, देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। Thank you.
तो ये बोल्ट को हम लोग टाइट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्रॉस स्लाइड भी हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। अब मूव करके देखेंगे हमारा मूव कर रहा है या नहीं। थोड़ा सा इसको हम लोग टाइट कर लेंगे, देख रहे हैं मूव कर रहा है। ये अभी हम लोग टूल पोस्ट को फिट कर रहे हैं। ये हमारा टाइट हो गया, अब देख लेते हैं सभी सही तरीके से काम कर रहा है। अभी देख रहे हैं सही तरीके से हम लोगों का सब कुछ काम कर रहा है। हम लोग टेलीस्टॉक भी लगा दिए, कैरेज भी लगा दिए, एप्रोन मैकेनिज्म भी लगा दिए, क्रॉस स्लाइड भी लगा दिए, और देख रहे हैं कि टूल पोस्ट भी हमारा सही ढंग से फिट हो गया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मशीन सही तरीके से काम कर रहा है, और ये हम लोगों का सभी लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको भी देखेंगे। इसको हम लोग को ऑन करके रिवर्स मेंबर लाएंगे तो सही तरह से काम भी कर रहा है। हम लोग इसको इसके सामने भी लेके जाएंगे, तब भी हम लोग को जो एडस्टॉक एडस्टॉक के साथ ये ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसका गियर फंक्शन ये पीछे है, तो गियर फंक्शन पीछे है। अगर हम लोग इसको गियर हम लोग यहीं से सेट कर देंगे तो ये घूमेगा। ठीक है, तो ये पहले बंद कर देते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग गियर का अटैचमेंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले फ्री मूव करवा रहे हैं मशीन को, अभी फ्री मूव कर रहा है, गियर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। अभी हम लोग गियर के साथ अटैच कर लेते हैं मशीन को। ये हमारा गियर के साथ अटैच हो गया, उसके बाद मूव करवा रहे हैं तो सारा गियर हम लोगों का मूव कर रहा है, सारा गियर हम लोगों का मूव कर रहा है। उसके बाद साथ में लीड स्क्रू भी मूव कर रहा है, लीड स्क्रू भी मूव कर रहा है।
उसके बाद ये लीवर, लीवर में को हम लोग उठाएंगे तो ये मशीन ऑटोमेटिक कैरेज चलने लगेगा। ये ऑटोमेटिक चल रहा है। उसके बाद रिवर्स करेंगे तो ये आगे के साइड मूव करने लगेगा। देख रहे हो ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके इसका मतलब है हम लोगों का सब फिट सही हुआ है, सब अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सभी को धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तुम लोग को यही सिलेबस में था एप्रोन मैकेनिज्म इन ले, ठीक है। ये वीडियो तो तुम लोग देख लेना, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में सब कोई घर में रहना, अच्छा से रहना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।